हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और उसके बाद क्या है, ना सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ने, जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने भी जमकर मजा लिया। हम बात कर रहे हैं इरफान पठान की। इरफान पठान ने एक जबरदस्त ट्वीट किया जहां पर जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्यों भाई पड़ोसियों जो बकवास कर रहे थे अब बताओ संडे कैसा रहा। और इरफान पठान, हम सभी को पता है कि वो लगातार ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं और खासतौर पर जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो लगातार उनके ये ट्वीट्स आते रहते हैं इस तरह के। और यहाँ पर भी हमें वही नज़र आया कि जब इरफान पठान ने कहा कि और भाई पड़ोसियों अब बताओ जो बकवास कर रहे थे पहले, अब जब टीम इंडिया जीत गई है तो अब बताओ कैसा रहा संडे, यानी साफ तौर पर कटाक्ष कर रहे थे पाकिस्तानी टीम पर और पाकिस्तान के जो फैंस हैं और उनके पूर्व खिलाड़ी। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उससे पहले जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। हर टीम मेंटली स्ट्रांग होना चाहती है, मेंटली हावी होना चाहती है दूसरी टीम पर, और यही रीजन रहता है कि लगातार वो बोला करते हैं। और खासतौर पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की तो उनके जो पूर्व प्लेयर रहते हैं वो और उनके फैंस मैच से पहले बहुत चलने की कोशिश करते हैं टीम इंडिया पर, लेकिन आखिरकार मुंह ही खाते हैं। और जब बात करते हैं हम कल के मैच की तो यहाँ पर वही था कि जब पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया उसके बाद पाकिस्तानी फैंस एकदम हवा में उड़ रहे थे, या फिर उनके पूर्व प्लेयर्स की, टॉस हमने जीत लिया है, ओवरकास्ट कंडीशन है, सारी चीज़ें हमारे हक में जा रही हैं, तो मतलब यहाँ पर मैच हम ही जीतेंगे, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आ रहा था। लेकिन टीम इंडिया ने सारी चीज़ों को एकदम परे रखते हुए, साइड करते हुए इस मैच में रोमांचक जीत दर्ज की, जहां पर एक समय पर टीम इंडिया का विनिंग प्रेडिक्शन जो था सिर्फ 8% दिखा रहा था, लेकिन टीम इंडिया ने वहां से कमबैक किया, जबरदस्त तरीके से वापसी की और पाकिस्तान को हरा दिया और बताया कि चैंपियन हम ही हैं। और इसके बाद इरफान पठान ने जो मजे लिए वो तो मैंने आपको बताया किस तरह से क्या ट्वीट किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें रहीं। फिलहाल आप बताइए आपको क्या लगता है, अब पाकिस्तान क्या इस टूर्नामेंट में जीवित रह पाएगा या फिर बाहर हो चुका है।